आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ पाउच, जो छोटे बच्चों के मैचिंग के सूटों के साथ बहुत प्यारे लगते हैं। तो इसके लिए हम पहले पेपर पे पैटर्न बनाएंगे, फिर उसके बाद फिर हम इसको कपड़े पे बनाएंगे। तो देखें, ये पेपर को मैं डबल फोल्ड कर रही हूँ पहले। ये देखें, किसी भी शेप में बना सकते हैं, और मैं जो बना रही हूँ ये पोटली वाला बना रही हूँ। तो ये देखें, यहाँ से लूँगी मैं तकरीबन 1.5 इंच, यहाँ से मुझे रखना है, पहले ये रखूँगी 2 इंच, ये एक लाइन डालनी है यहाँ पे। उसके बाद फिर ये वाला हिस्सा जो है मुझे यहाँ से, ये तकरीबन 5.5 इंच इसकी टोटल लंबाई है, तो ये 5 इंच रह जाएगी सिल के, 1/2 इंच इसकी सिलाई चली जाएगी। यहाँ से मैं इसको गोलाई वाला शेप दूँगी इस तरह करके। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। देखिए, हमारे पास इस तरह शेप आ जाएगा ये। अब फिर हम इसको कपड़े पे बनाएंगे। ये यूज़ कर रही हूँ, एक ये मेरे पास सूती कपड़ा है, और ये मैं बहुत छोटे पीसों में से इसको बना रही हूँ। यहाँ से हम इसको इस तरह रखेंगे, ये कटिंग कर लेंगे हम पेपर के हिसाब से। और एक मुझे ये वाला कपड़ा यूज़ करना है इसमें। ये देखिए, ये ऊपर का हिस्सा है मेरा, ये फैंसी कपड़ा था, तो ये मैंने इसका ऊपर का रखा है, ये मेरा अस्तर का है। ये इसको थोड़ी थिकनेस देने के लिए ये कपड़ा यूज़ कर रही हूँ मैं, सूती वाला। कि मैंने इसको कपड़े पे इस तरह काट लिया है, ये ऊपर का पोर्शन होगा, ये अंदर अस्तर का होगा, ये इसकी एक और लाइनिंग होगी, और इसके अंदर मैं चारों तरफ फ्रिल लगाऊँगी। तो उसके लिए मैं ये इसमें से निकालूँगी कपड़ा। ये तकरीबन हमने लेनी है 2 इंच की पट्टी, 2 से 2.5 भी कर सकते हैं हम, तो मैं ये 2.5 इंच की पट्टी ले रही हूँ। ये डोरी है, इस डोरी को मैं इसके अंदर इस तरह यहाँ डालूँगी, ये डोरी यूज़ करूँगी। अब मैं इसको सीती हूँ। जो मेरे तीनों कपड़े हैं, इन तीनों को मैं एक साथ सिलाई लगाऊँगी। अब ये देखिए, तीनों में मैंने यहाँ सेंटर में कट लगा लिया है, और अब मैं इसको सीऊँगी। कट लगाने से ये होगा कि सब तरफ से कपड़ा बराबर ही आएगा। ये वाला जो कपड़ा है हमारा, हम इसको ऊपर इसको इस तरह फोल्ड कर देंगे, मोड़ देंगे यहाँ से। अब देखें, इसमें एक सिलाई और लगाऊंगी, बिल्कुल एक पैर की, जिसके अंदर से मुझे डोरी डालनी होगी, इसमें डोरी डालेंगे हम। देखिए, ये इस तरह तैयार हो गया। अब दूसरा वाला साइड भी मैं इसी तरह तैयार करूंगी, फिर इसको ज्वाइन कर दूंगी। इसके किनार पे मैं यहाँ पे सीधा वाला साइड जो है उसके ऊपर रख के मैं इस तरह से फ्रिल लगाऊंगी। अब देखें, ये वाला पीस है, इसको इसके ऊपर रख के सिलाई लगा देंगे। अब देखें, ये जो मैंने नेफा बनाया था, नेफा बनाने के लिए जो मैंने ये सिलाई लगाई थी, ये वाला हिस्सा मैं इतना छोड़ दूंगी यहाँ से, ताकि मेरी डोरी आराम से चली जाए यहाँ पे। ये
देखें ये डोरी है, इस डोरी को मैं डबल करके, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, ये आप जितनी चाहे लंबी डाल सकते हैं। इसमें ये डोरी डालूंगी, अब एक डोरी मैं इस तरफ से डालूंगी और एक डोरी मैं इस तरफ से डालूंगी, इसमें इस तरह डलेगी डोरी। कैंची की नोक की मदद से यहाँ पे ऐसे सुराख कर लेंगे हम, चारों पे बिल्कुल यहाँ जड़ में सुराख करने हैं हमें। अब हम इसमें से डोरी डालेंगे, अब देखें यहाँ से मैं इस तरह इसमें पहले नॉट लगाऊंगी, अब मैं यहाँ पे कपड़े के फंदे बना के लगा दूंगी इसमें। अब ये देखें तकरीबन 2 इंच चौड़ा और 2 इंच लंबा में जिस तरह कपड़ा लेना होगा, अब मैं इसके फंदे बना के लगा दूंगी। अब देखें कि इसको हमने इस तरह करा और यहाँ से इसको यहाँ से इसमें सिलाई लगा देंगे हम।